News 18, India. आप कल्पना कर सकते हैं गांव की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा बदलाव हो जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में बेटियों के संबंध में जो पहले सोच थी, समाज के घर में घुस गई थी, दिमाग में भी घुस गई थी, आज वो सोच कितनी तेजी से बदल रही है। थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कितना बड़ा सुखद बदलाव आ रहा है। पहले अगर बेटी का जन्म होता था तो चर्चा होती थी, अरे खर्चा कैसे उठाएंगे, उसको कैसे पढ़ाएंगे, उसके आगे की जिंदगी का एक प्रकार से कोई बोझ है, ऐसी चर्चाएं हुआ करती थी। आज बेटी पैदा होती है तो पूछा जाता है, अरे सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुला कि नहीं खुला। बदलाव जी, पहले सवाल होता था प्रेग्नेंट होने पर नौकरी नहीं कर पाओगी, पहले ये बात होती थी प्रेग्नेंट होने पर नौकरी नहीं कर पाओगी, आज कहा जाता है 26 हफ्ते की पेड लीव और बाद में भी अगर चाहिए तो मिलेगी, ये बदलाव होता है। पहले समाज में सवाल होते थे कि महिला होकर नौकरी क्यों करना चाहती हो, क्या पति की सैलरी कम पड़ रही, ऐसे सवाल होते थे। आज लोग पूछ रहे हैं, मैडम आपका जो स्टार्टअप है ना बहुत प्रगति कर रहा है, क्या मुझे नौकरी मिलेगी, ये बदल। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक समय था जब सवाल पूछा जाता था कि बेटी की उम्र बढ़ रही है शादी कब करोगे, बेटी की उम्र बढ़ रही है शादी कब करोगे, आज पूछा जाता है बेटी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों कामों को संतुलित कितना बढ़िया करती हो, कैसे करती हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक समय था घर में कहा जाता था कि घर के मालिक घर पे है कि नहीं है, ऐसा पूछा जाता था, घर के मुखिया को बुलाइए ऐसा कहते थे। आज किसी के घर जाते हैं तो घर महिला के नाम पर, बिजली का बिल उसके नाम पर आता है, पानी गैस सब उसके नाम पर, तो परिवार के मुखिया की जगह आज मेरी माता है, बहन है। ये बदलाव अमृतकाल में विकसित भारत का हमारा जो संकल्प है ना, इसकी एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरने वाला है और मैं उस शक्ति के दर्शन कर पा रहा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए आंसू बहाने की आदत मैंने बहुत देखी है, किसानों के साथ कैसा कैसा विश्वासघात किया गया है ये देश ने देखा है। कांग्रेस के समय कृषि के लिए कुल वार्षिक बजट होता था 25,000 करोड़ रुपया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार का बजट है 1,25,000 करोड़ रुपया। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 7,00,000 करोड़ रुपया का धान और गेहूं किसानों से खरीदा था, हमने 10 वर्ष में करीब 18,00,000 करोड़ का धान गेहूं। कांग्रेस सरकार ने दलहन और तिलहन की खरीदी नाम मात्र कभी कहीं की हो तो की हो, हमने 1,25,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का दलहन और तिलहन खरीद लिया है।
हमारे कांग्रेस के साथियों ने पीएम किसान सम्मान निधि का मड़ा उजाया। और जब मैंने मेरी पहली टर्म में ये योजना शुरू की थी तो मुझे याद है कि झूठा नैरेटिव की जो फैशन चल पड़ी है, गांव में जाके कहा जाता था कि देखिए ये मोदी के पैसे मत लेना, ये चुनाव एक बार जीत गया तो सारे पैसे ब्याज समेत तुमसे वापस मांगेगा, ऐसा झूठ फैलाया गया था। किसानों को इतना मूर्ख बनाने की कोशिश की गई थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, पीएम किसान सम्मान निधि 2,80,000 करोड़ रुपए हमने भेजे, पीएम फसल बीमा योजना 30,000 रुपया का प्रीमियम, और उसके सामने 1,50,000 करोड़ रुपए मेरे किसान भाई बहनों को। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी भी मछुआरे पशुपालक की तो नामो निशान नहीं था उनके काम में। पहली बार इस देश में मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बना, पशुपालन के लिए अलग मंत्रालय। पहली बार पशुपालक को, मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया ताकि कम ब्याज से उसको बैंक से पैसा मिल सके, वो अपना कारोबार बढ़ा सके। किसान और मछुआरों ये चिंता सिर्फ जानवरों की नहीं होती है, जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आर्थिक चक्र को चलाने में इन पशुओं की अभी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमने फूट एंड माउथ डिजीज, उससे भारे पशुओं को बचाने के लिए 50 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए हैं, पहले कभी सोचा नहीं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज भारत में युवाओं के लिए जितने नए अवसर बने हैं ये पहले कभी नहीं बने हैं। आज पूरी वोकेबुलरी बदल गई है, शब्द पूरे जो पहले कभी सुनने को नहीं मिलते थे वो बोलचाल के सहज दुनिया में शब्द आ चुके हैं। आज चारों तरफ स्टार्टअप्स की गूंज है, यूनिकॉर्न्स चर्चा में है, आज डिजिटल क्रिएटर्स एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे सामने है, आज गिग इकोनॉमी की चर्चा हो रही है। ये युवाओं के जुबान पर ये नए भारत की नई वोकेबुलरी है, ये नई आर्थिक साम्राज्य की नई नई नए परिवेश है, नई पहचान है। ये सेक्टर युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बना रहे हैं। 2014 से पहले डिजिटल इकोनॉमी की साइज ना के बराबर थी, बहुत ज्यादा उसकी चर्चा भी नहीं थी। आज भारत दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी है, अग्रणी है। लाखों युवा इससे जुड़े हैं और आने वाले समय में ये डिजिटल इंडिया मूवमेंट जो है वो देश के नौजवानों के लिए अनेक अनेक अवसर, अनेक अनेक रोजगार, अनेक अनेक प्रोफेशंस के लिए अवसर लेकर के आने वाला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज भारत मेड इन इंडिया फोन दुनिया में पहुंच रहे हैं, दुनिया में हम नंबर 2 बन गए हैं। और एक तरफ सस्ता मोबाइल प्राप्त हुआ है और दूसरी तरफ सस्ता डेटा, इन दोनों ने एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया देश में और दुनिया में। हम जिस कीमत पे आज हमारे नौजवानों को ये प्राप्त करवा रहे हैं, सबसे कम कीमत पर करवा रहे हैं, और वो एक कारण बना है। आज मेड इन इंडिया अभियान, रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, यह देश देख रहा है। आदरणीय जी, ये सारे काम हमारे नौजवानों के लिए सबसे ज्यादा रोजगार लाने वाले काम है, सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 10 वर्ष में टूरिज्म सेक्टर में
अभूतपूर्व उछाल आया है। हमारे देश में ये ग्रोथ और टूरिज्म सेक्टर ऐसा है जिसमें कम से कम पूंजी निवेश में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला अवसर है और सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी ये रोजगार देने वाला अवसर है। स्वरोजगार की सबसे ज्यादा संभावनाएं वाला टूरिज्म क्षेत्र है। 10 वर्ष में एयरपोर्ट दोगुने बने। भारत सिर्फ एयरपोर्ट बने ऐसा नहीं, भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर बना, दुनिया के तीसरे बड़े। हम सबको खुशी होनी चाहिए। भारत की जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उन्होंने 1000 नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए, देश में 1000 नए एयरक्राफ्ट। और जब इतने सारे हवाई जहाज ऑपरेट होंगे, सारे एयरपोर्ट कितने धमधमते होंगे, कितने पायलट्स की जरूरत पड़ेगी, कितने हमें क्रू मेंबर चाहिए, कितने इंजीनियर चाहिए, कितने ग्राउंड सर्विस के लिए लोग चाहिए, यानी रोजगारी के एक नए नए क्षेत्र खुलते जा रहे हैं। एविएशन सेक्टर भारत के लिए एक बहुत बड़ा नया अवसर बनकर के आया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी कोशिश रही है कि इकोनॉमी को हम फॉर्मलाइज करने की दिशा में मजबूती से कदम उठाए, युवाओं को नौकरी भी मिले, सोशल सिक्योरिटी भी मिले, इन दोनों को लेकर के। और आपने जिन बातों के आधार पर हम निर्णय करते हैं और देश में भी माना जाता है, वो एक होता है डाटा ईपीएफओ का। ईपीएफओ में जो रजिस्ट्रेशन होता है, 10 साल में करीब 18 करोड़ नए सब्सक्राइबर आए, और वो तो सीधा पैसों से जुड़ा खेल होता है, उसमें फर्जी नाम नहीं होते हैं। मुद्रा लोन पाने वालों में 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में पहली बार कारोबार अपना शुरू किया है, बिजनेस। और जब मुद्रा लोन लेता है तो खुद तो रोजगारी पाता है, एक या दो और लोगों को भी रोजगारी देता है, क्योंकि उसका काम ऐसा होता है। हमने लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट किया है। 10 करोड़ महिलाएं एसएचजी से जुड़ी, जैसा मैंने कहा 1 लाख, और लखपति दीदी 1 करोड़, ये अपने आप में बहुत। और मैंने जैसा कहा हम 3 करोड़ के टारगेट को। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ आंकड़े हैं जो अर्थशास्त्री समझते हैं, नहीं सामान्य मानवी भी समझता है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में करीब करीब 12 लाख करोड़ का बजट था। 10 साल में 12 लाख करोड़। बीते 10 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के अंदर बजट 44 लाख करोड़, 44 लाख करोड़। रोजगार कैसे बढ़ते हैं इससे समझ आता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस राशि से जितनी बड़ा मात्रा में काम हुआ है उसके कारण इतने लोगों को रोजी रोटी मिली है, इसका आप अंदाज कर सकते हैं। हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग का, रिसर्च का, इनोवेशन का हब बने उस दिशा में देश की युवा शक्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं, व्यवस्थाएं विकसित कर रहे हैं, आर्थिक मदद के योजनाएं बना रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, एनर्जी के क्षेत्र में हम हमेशा डिपेंडेंट रहे, एनर्जी के सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर होने की दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और हमारी कोशिश है ग्रीन एनर्जी की तरफ। हाइड्रोजन को लेकर के हम बहुत बड़ी मात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अभूतपूर्व निवेश। उसी प्रकार से दूसरा क्षेत्र है जिसमें भारत को लीड लेनी होगी, वो है सेमीकंडक्टर। पिछली सरकारों ने जितने प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली। अब हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं, मैं विश्वास से कहता हूं कि हमारे 3 दशक खराब भले हो गए लेकिन आने वाला समय हमारा है। हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अब
अभूतपूर्व निवेश मैं देख रहा हूं और भारत दुनिया को एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा।